सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है और मैं एक बार फिर से जो है आप सबके सामने हाजिर हूं। और जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो तो जानते ही होंगे, जो नए जुड़ रहे होंगे वो कुछ देर रुकेंगे, वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो उनको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारी क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी दोस्तों। और मैंने कहा था कि आप एक नोट्स बनाइएगा, उसी में लिखिएगा। बीच में निखिल सर की भी क्लास चली थी तो उसको आप जहाँ लिखे होंगे उसी के आगे ऐसे लिखते चलिएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगेगा और समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है मैंने कहा कि फिजिक्स में ऐसा बताऊंगा मैं कि कहीं पर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतना समझ में आ जाएगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप फटाफट केवल हल करेंगे, बस कलम आपकी नहीं रुकेगी। और ये मेरा वादा है आपसे। और जब आपकी मैराथन क्लास चलेगी तो उसमें और तरीके आपको बताए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि जो है जितनी भी संभावनाएं होंगी वो सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और 95 या 95+ आपको लाना है। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है या एक युक्ति है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर मतलब जुड़े होते हैं। मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हुआ कि जैसे यही है, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है दोस्तों, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है। एक पर आपका प्लस क्यू कूलाम, एक पर आपका माइनस क्यू कूलाम, ये इसका मध्य बिंदु ओ है और इसके बीच की दूरी दोस्तों 2L है। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच की दूरी जो है वो 2L है। 2L जो लिखा है मैंने, 2L ये अल्प दूरी है। अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, तो वही टोटल जो है आपका, टोटल आपका 2L हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आप देख रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या है कि दो समान आवेश, भाई Q यहां भी है, Q यहां भी है, किंतु विपरीत। विपरीत का मतलब इसमें अगर प्लस Q कूलाम आवेश है तो यहां पर माइनस Q कूलाम आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हूं। और अल्प दूरी का मतलब होता है कि बीच में दूरी जो इनकी है वो 2L है। और कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि यहां से एक बिंदु P है, यहां से अर्थात इसके केंद्र से R दूरी पर। जी हाँ दोस्तों, इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। यही चीज है, यही आपका चित्र है। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे और लिखेंगे क्या, सुनिएगा चित्र में। इसको आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए और उसमें आप लोग लिखिएगा कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। जी हाँ दोस्तों, चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसमें बिंदु A और B, ठीक, क्या बोला हमने कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके
सिरे ए पर, देखिएगा सिरा ए ये है, सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश और सिरे बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है जहां से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखा जाएगा, सुनिएगा हमने क्या बताया भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश और सिरे बी पर माइनस क्यू आवेश है, इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुनिएगा, बिंदु ए, बिंदु ए या प्लस क्यू आवेश, ठीक, बिंदु ए या प्लस क्यू आवेश के कारण, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन बराबर। दोस्तों सुनिएगा क्या लिखा हमने, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर, बिंदु ए के कारण बिंदु, बिंदु पी पर, यहां पे लिख लीजिएगा बिंदु पी पर भाई, चूंकि इसी के कारण जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वही हम लिख रहे हैं। तो चूंकि हम लोग एक चीज जानते होंगे कि धन आवेश से दूर की ओर जो वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं वो धन आवेश से दूर की ओर चलती हैं, तो जो आपका E1 है वो E1 यहां से अर्थात बिंदु P से दूर की ओर चलेगा, अर्थात इस तरह होगा। और हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0Q/R2। तो क्यों, क्यों कि जहां पे, यहां पे प्लस क्यों है तो इसलिए प्लस क्यों और प्लस क्यों लिखा नहीं जाता, तो यही हो जाएगा हमारा समीकरण एक। किसी को कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आगे देखिए, ये तो था बिंदु ए के कारण, अब देखिए बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हमारा फार्मूला है कि 1/4πε0Q/R। तो क्यों की जहां पर तो हमारा क्यों है, ये भी समीकरण एक मत मानिए, क्योंकि जहां पे तो क्यों है लेकिन आर जो है ये इसके बीच की दूरी है, तो यहां पे हम सूत्र में चेंज कर दे रहे हैं, सूत्र में कैपिटल आर लिख दे रहे हैं और क्योंकि जहां पे कैपिटल क्यू लिख दे रहे हैं तो अब अगली लाइन में इसका मान रख देंगे हम, अर्थात E1 बराबर 1/4πε0Q और क्यू का मान क्या है, स्मॉल क्यू है, बटे आर। R का मतलब होता है बीच की दूरी, और बीच की दूरी अगर हम प्लस क्यू आवेश से ले तो देखिए यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक R है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक भाई, यही तो हमारा फार्मूला है कि 1/4πε0Q/R2। जी हाँ दोस्तों, Q/R2 ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था। और अगर आपको इसमें कहीं समस्या हो तो आप पिछला वीडियो अर्थात पार्ट 3 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 1 देखिएगा, मेरा वीडियो जो है निखिल सर का नहीं, निखिल सर के पहले मैं पढ़ाया था उसी के आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों वही चीज़ हमने किया है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण एक। किसी को कहीं भी समस्या हो यहाँ तक तो बताइए। अब देखिए, ये तो आपका था कि बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण हमने निकाला, इसी तरह बिंदु बी के कारण निकालेंगे दोस्तों। तो जब बिंदु बी के कारण निकालेंगे तो अब क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, इसको मिटाल दे रहा हूं, ये आपका आर है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे बिंदु ए के लिए किया है सेम उसी तरह हम लोग करेंगे बिंदु बी के कारण, बिंदु बी या माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर। देखिएगा दोस्तों, अब अगर माइनस क्यू आवेश है तो चूंकि हमको पता है कि ऋण आवेश की ओर होता है तो अर्थात जो E2 होगा आपका, जो E2 होगा वो ये हो जाएगा दोस्तों,
अर्थात ये E1 और ये E2। तो यहां से E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0k और q/r2। तो q की जहां पे माइनस q है, और चूंकि तीव्रता में आवेश के परिमाण से मतलब होता है, उसकी दिशा से कोई मतलब नहीं होता, ठीक, आवेश के परिमाण से मतलब होता है, उसकी दिशा से नहीं मतलब, इसीलिए प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, केवल q लिखेंगे। और अपान आर स्क्वायर, आर की जहां देखिए यहां से यहां तक तो आर था हमारा, लेकिन हम ले यहां से रहे हैं, अर्थात आर माइनस यल हो जाएगा दोस्तों, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। किसी को यहां तक कोई भी समस्या हो तो बताइए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखिएगा दोस्तों, अर्थात बिंदु P पर, ठीक, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, अर्थात E बराबर, तो वो क्या हो जाएगा सुनिएगा, E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, चाहे आप E2 माइनस E1 कर दीजिए और चाहे E1 माइनस E2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, E बराबर E2 माइनस E1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो जो परिणामी होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा दोस्तों, जो परिणाम होगा तीव्रता का वो दोनों के अंतर के बराबर होगा, तो इसीलिए यहां पे हमने तीव्रता E बराबर लिखा है E2 माइनस E1। तो दोस्तों इसी में केवल मान रख देना है, और E1 का मान देखिए ये है और E2 का मान ये है, आप स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अर्थात ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए बता रहा हूं, जब इसको आप मिटा लेंगे तो अब चलिए हम लिखते हैं, अर्थात E बराबर E2 माइनस E1 यही लिखा था हमने, 1/4πε0k q/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0k q/r+l का होल स्क्वायर दोस्तों। अब देखिए 1/4πε0k इसमें भी है, यही चीज इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए 1/4πε0k, अब यहां पर हो जाएगा आपका q/r-l का होल स्क्वायर माइनस q/r+l का होल स्क्वायर दोस्तों, q भी कॉमन है तो आप q भी कॉमन ले लीजिए, अर्थात यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पे 1। किसी को कहीं भी समस्या हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, बराबर है बराबर q/4πε0k, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस वाला बचेगा, और प्लस से प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, ये है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे हम इधर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, कहीं भी अगर समस्या हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा और बताइएगा दोस्तों कि कहां पर आपको समस्या हो रही है। तो देखिए q/4πε0k, वहां पे जब इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला नियम लगेगा, मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा रहा हूं, देखिएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, जब इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl दोस्तों, इसको देखिए चूंकि ब्रेकेट के बाहर माइनस था इसीलिए हमने यहां पे चिन्ह बदल दिया, अर्थात अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 2rl, अर्थात हमारे पास बचा 4rl बटे, नीचे के लिए देखिएगा दोस्तों r एक बार वही चीज प्लस में है एक बार वही चीज माइनस में है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, जी हाँ दोस्तों r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अर्थात यही चीज हम यहां पे लिख देंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात सुनिएगा, चूंकि हमने कहा है कि जो
ये है हमारा एबी, एबी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पसीना निकाल रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप शेयर करें। तो दोस्तों जो ये वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा होगा आपको, इसके बीच की दूरी जो है वो 2L है, और जो कि एक अल्प दूरी है, ठीक, अल्प दूरी है। और जब अल्प दूरी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि L एक अल्प दूरी है इसलिए L को नगण्य करने पर, जी हाँ दोस्तों, L को नगण्य करने पर, जब L का मान नगण्य हो जाएगा तो आपका फार्मूला हो जाएगा E बराबर Q/4πε0। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप 2×2 कर दें, ठीक, 2×2 कर दें, यहाँ पे Q है, 2RL और Q, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 2RL 4RL हो रहा है, तो 4RL और इंटू क्यू यहाँ पे है आपका, अर्थात इसको हमने नहीं लिखा है आगे वाला, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्या चीज, Q/4πε0K। तो दोस्तों वही चीज है, Q/4πε0K। तो Q को हम यहां से हटा रहे हैं और यहां पे लिखेंगे 2QL, ठीक, 2QL, और R आपके पास बचा है तो इंटू R कर दीजिए। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए आप लोग। 2RL था, इसको हमने 2L यहां लिख दिया, R यहां कर दिया, और Q था, Q मैंने लिखा, मतलब चार चीज थी आपके पास, RL Q, तो RL Q तीनों चीज हमने लिखा है। तो दोस्तों देखिए, अब दो है, दो इंटू है इंटू, यहां पर एक ही रहने दीजिए, 1/4πε0K इंटू दो है दो लिखिए, और इसकी जहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। हमने जब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी तो वहां पे बताया था P = 2QL। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए, ये फार्मूला हमने बताया था कि P = 2QL, तो यहाँ पे देख रहे होंगे 2QL लिखा है, तो यहाँ पे P हो जाएगा इंटू R है R, जब L को नगण्य करेंगे तो ये हो जाएगा R^4। तो दोस्तों एक R हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, E = 1/4πε0K × 2P/R³। जी हाँ दोस्तों, 2P/R³, यही है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही है आपकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकदम सेम टू सेम इसी तरह करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया, बनाने के बाद चित्र आप बना लीजिए, चित्र बनाने के बाद चित्र से ही लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव AB में बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है, जिसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। और अब चूंकि उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल लेंगे, Q/4πε0K × Q/R² से। फिर बिंदु B के कारण बिंदु P पर अक्षीय स्थिति की तीव्रता निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे दोस्तों, तो वही फार्मूला है। उसके बाद दोनों तीव्रता निकालने के बाद हम देख रहे हैं, जब भी आपका खींचत आनी रहे कि एक इधर खींचे एक इधर खींचे, तो वहां पे जो परिणामी होता है वो अंतर के बराबर होता है दोस्तों, तो इसीलिए हमने E = E2 - E1 लिखा। उसके बाद फिर हमने इसी में मान रख दिया, मान रख के हल कर लिया, तो हमारा मान मिल गया क्या, 1/4πε0K × 2P/R³ दोस्तों। तो ये था हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसको अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा। और कल का जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि चूंकि परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही था, अगर कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो मैं अगले वीडियो में उसको फिर से बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।